अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, जैसे कि PIAIC के प्रोग्राम्स में आपने इनरोल कर लिया है तो कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि हमें टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो इस वजह से आज हमने इस वीडियो को बनाया है कि आप टेलीग्राम के ग्रुप को किस तरीके से ईज़िली ज्वाइन कर सकते हैं और जूम को भी किस तरीके से ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम को यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले अपने जो भी ब्राउज़र आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें VPN की एक्सटेंशन को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि टेलीग्राम पाकिस्तान में ब्लॉक है। आप एक दफ़ा VPN के थ्रू टेलीग्राम को डाउनलोड कर लें, उसके बाद जो टेलीग्राम का डेस्कटॉप का वर्जन है वो बगैर VPN के भी हमारे पास चलता है। तो सबसे पहले हम VPN की एक्सटेंशन ऐड करने के लिए सर्च बार में लिखते हैं क्रोम वेब स्टोर। मैंने सर्च बार में लिखा क्रोम वेब स्टोर, फिर मैं एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आप ये देख सकते हैं इस वेबसाइट पे chrome.google.com/web-store, इस पर आपने क्लिक करना है। ये लिंक नीचे हमारे पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ VPN हॉटस्पॉट। आप दूसरे मुख्तलिफ VPNs भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी तक जो मैंने देखी जो सही चल रही है फ्री, वो है VPN हॉटस्पॉट्स। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है। तो अब जैसे कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ, अब इसको ऐड टू क्रोम करते हैं। ऐड एक्सटेंशन, ये मेरे पास डाउनलोड हो रही है। जैसे कि ये मेरे पास ऐड हो चुकी है, अब ये मेरे से पूछ रहा है कि आप फ्री जाना चाहते हैं या फिर इसको ख़रीदना चाहते हैं। तो मैं फ्री जाता हूँ। अब ये मेरे से बोल रहा है कि आप क्या डेस्कटॉप का हमारा वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं, तो मुझे ये नहीं करना, मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। न्यू टैब में आ जाता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये आइकन आ रहा है, ये हॉटस्पॉट, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास हॉटस्पॉट शील्ड ओपन हो चुकी है। तो अब टेलीग्राम का डेस्कटॉप जो हमारे पास ऐप है उसको डाउनलोड करने के लिए, एक दफ़ा उसको हम डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद वो बगैर VPN के भी चलेगा। तो मैं करता हूँ क्लिक टू कनेक्ट, ये मेरे पास कनेक्ट हो रहा है। मेरे पास VPN कनेक्ट हो चुकी है, ये मुझे फ्री ट्रायल का ऑप्शन दे रहा है, नो थैंक्स करता हूँ। अभी मेरी जैसे कि VPN स्टार्ट हो चुकी है, तो अब मैं टेलीग्राम की वेबसाइट पर जाता हूँ। मैं टेलीग्राम की वेबसाइट लिखता हूँ telegram.org, इंटर करते हैं। ये देखें VPN को इस्तेमाल करते हुए मैं टेलीग्राम की वेबसाइट पर आ चुका हूँ। उसके बाद मुझे जो वर्ज़न अपने पास इंस्टॉल करना है मैं वो करता हूँ। मुझे विंडोज़ के लिए करना है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, PC, मैक और लिनक्स। तो अब ये मुझे बोल रहा है कि आप विंडोज़ के लिए करना चाहते हैं, तो मैं गेट टेलीग्राम फॉर विंडोज़ पे क्लिक करता हूँ। मेरे पास टेलीग्राम का जो ऐप है वो डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं। अगर आप विंडोज़ 10 के यूज़र हैं तो आप इसको ईज़िली ऐप स्टोर के ज़रिए भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं अपने ऐप स्टोर में आ गया हूँ, माइक्रोसॉफ्ट के जो स्टोर है हमारे पास, उसमें आने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेलीग्राम, जो आप बगैर VPN इस्तेमाल करे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास टेलीग्राम का फ्री डेस्कटॉप वर्जन आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे कि मैं इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ तो मैं यहाँ से डायरेक्ट इसको एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे कि मेरे पास टेलीग्राम का डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड हो चुका है, तो अब इसको इंस्टॉल करते हैं। मेरे से लैंग्वेज पूछ रहा है, ओके। ये पूछ रहा है कि आपके टेलीग्राम डेस्कटॉप के वर्जन को किस जगह पर सेव करना है, तो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट इंस्टॉल, मेरे पास इंस्टॉल हो रहा है। जैसे कि मेरे पास टेलीग्राम, आप देख सकते हैं कि मेरे पास टेलीग्राम का ऑफिशियल डेस्कटॉप वर्जन ओपन हो चुका है। स्टार्ट मैसेजिंग करते हैं, यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करते हैं,
मैंने अपना नंबर एंटर कर दिया है, अब मैं एंटर कर देता हूँ। जैसे कि मुझे अब कोड आएगा, कोड का वेट करते हैं। अब ये मेरे से नाम पूछ रहा है, मैं नाम डाल देता हूँ यहाँ पर, साइन अप करते हैं। ये मेरे पास, तो अब मैं किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो मैं इधर सर्च बार में जिस भी ग्रुप का नाम लिखूंगा, जिस भी ग्रुप का यूजर नेम लिखूंगा, तो मैं उस ग्रुप को इजीली ज्वाइन कर सकता हूँ। मैं PIAIC के इस्लामाबाद के ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा PIAIC, जो भी उसके यूजर नेम है, मुझे याद है यूजर नेम PIAIC, अब मैं लिखता हूँ इस्लामाबाद। तो ये देखिए मुख्तलिफ ग्रुप्स आ रहे हैं। PIAIC का ऑफिशियल जो ग्रुप है इस्लामाबाद का, वो ये है PIAIC इस्लामाबाद। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ज्वाइन ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं ज्वाइन ग्रुप पे क्लिक करूँगा, तो मैं इस ग्रुप को ज्वाइन कर जाऊँगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि टेलीग्राम किस तरीके से VPN के थ्रू डाउनलोड करना है। उसके बाद VPN बंद करने के बाद भी आप अगर टेलीग्राम को चलाएंगे तो बगैर VPN के भी टेलीग्राम का डेस्कटॉप का वर्जन चलेगा। अगर ना चले तो फिर आप VPN का सहारा लें। आप लिखें hotspotshield.com, तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, तो फिर इधर से आप डेस्कटॉप वर्जन भी डाउनलोड कर लें। वैसे टेलीग्राम का जो डेस्कटॉप वर्जन है वो बगैर VPN के भी चलता है। और आपको अगर जूम की क्लासेस ज्वाइन करने में परेशानी पेश आ रही है, तो जूम की क्लासेस ज्वाइन ईजिली आप कर सकते हैं। आप लिखेंगे zoom.us, इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे कि मेरे पास जूम की वेबसाइट ओपन हो चुकी है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ से भी मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं अपने ब्राउज़र पे, मीटिंग आईडी और पासवर्ड डाल के। और आप इनका डेस्कटॉप वर्जन भी इधर रिसोर्सेज के ऑप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड कर लें। तो अगर आपको डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड करना है, तो आप डाउनलोड जूम क्लाइंट पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड जूम क्लाइंट के बाद आपके पास मुख्तलिफ किस्म के वर्जन आ रहे हैं। जूम क्लाइंट, आप पहला वाला जूम क्लाइंट फॉर मीटिंग्स डाउनलोड करें। मेरे पास ये डाउनलोड हो रहा है। जैसे कि मैंने जूम के ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया है, तो आए इसको खोल के चेक करते हैं कैसा है। जैसे कि मेरे पास जूम का ऐप ओपन हो चुका है, तो आपके पास भी इस तरीके का यूज़र इंटरफेस आएगा। आपके पास चार ऑप्शन आ रहे होंगे। आप अगर खुद की मीटिंग को क्रिएट करना चाहते हैं, तो न्यू मीटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास मीटिंग आईडी आ जाएगी। आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो पासवर्ड भी लग जाएगा। कोई मीटिंग आप शेड्यूल करना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो आप वो शेड्यूल के आइकन से क्रिएट कर सकते हैं। आपको अगर ऑनलाइन क्लास, मैं आपको जूम की एक मीटिंग ज्वाइन करके भी दिखा देता हूँ कि जूम की मीटिंग्स को किस तरीके से ज्वाइन किया जा सकता है, और उसमें हैंड रेस किस तरीके से किया जा सकता है, और आप मीटिंग के दौरान सवाल जवाब किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं ज्वाइन पे क्लिक करता हूँ। ज्वाइन पे क्लिक करने के बाद मैं अपनी मीटिंग आईडी इंटर करता हूँ। मीटिंग आईडी इंटर करने के बाद मैं ज्वाइन करता हूँ। अगर आप एडियो के साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, तो आपको जिसने मीटिंग क्रिएट की है उसका भी एडियो आपको सुनाई नहीं देगा। तो आप अपना एडियो बंद कर सकते हैं। आप एडियो के साथ ज्वाइन करें, आपके पास ऑप्शन आएगा, अभी हम देखते हैं आगे। मैंने मीटिंग आईडी इंटर कर दी है, ज्वाइन करता हूँ, कनेक्ट हो रहा है। अभी मेरे से पासवर्ड मांग रहा है मीटिंग का, मैं पासवर्ड इंटर करता हूँ। मैंने पासवर्ड इंटर कर दिया है, मैं ज्वाइन करता हूँ, कनेक्ट हो रहा है। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि आप कंप्यूटर के एडियो के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको ये ज़रूर करना पड़ेगा। अगर आप अपने यूज़र की जिसकी आपने मीटिंग ज्वाइन करी है, आप उसका एडियो सुनना चाहते हैं, आप उसकी वॉइस सुनना चाहते हैं, तो आपको ये ज़रूर करना पड़ेगा। मैं ज्वाइन विद कंप्यूटर एडियो पे क्लिक करता हूँ। अब मैं ज्वाइन कर चुका हूँ तो मेरे पास मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे हैं। ये देखें, आपने एडियो के साथ ज्वाइन तो करा है, लेकिन आप अभी अनम्यूट हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो मैं इस पर क्लिक करने के बाद जो भी मेरा सवाल जवाब है मैं वो कर सकता हूँ। मैं इसको अनम्यूट कर देता हूँ। जब आपको सवाल जवाब करने हैं, उसी वक्त आप इसको ऑन करें। तो इसको मैं अनम्यूट कर देता हूँ। मैंने इसको ऑफ कर दिया है। यहाँ से आप अपनी अगर वीडियो शेयर करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा।
उसके बाद हमें यहाँ से पता चल रहा है कि कितने पार्टिसिपेंट्स मीटिंग में हैं। इस बटन पे क्लिक करके आप जो भी आपका सवाल है वो टाइप कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ, मैंने एक ऐसा मैसेज लिख दिया, मैं जो भी सवाल करना चाहता हूँ, मैंने एंटर कर दिया, ये सब पे चले गया। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है आप मैसेज किसको करना चाहते हैं। जो जो आपके पास पार्टिसिपेंट्स होंगे मीटिंग के अंदर वो सबका नाम इस पर आ रहा होगा। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं डायरेक्ट प्राइवेटली सिर्फ इसको मैं मैसेज इसमें टाइप करूँगा वो डायरेक्ट इस बंदे को जाएगा। मैं सबको मैसेज करना चाहता हूँ तो मैं एवरी वन पर करूँगा। आप मीटिंग के दौरान अगर हैंड रेस करना चाहते हैं कि जो मीटिंग होस्ट कर रहा है उसको पता चले कि मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ, आपके कुछ सर हैं, आप चाहते हैं कि आज सर को पता चले कि मैं कोई सवाल करना चाहता हूं, तो आप पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करेंगे। पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे। इन ऑप्शंस में से आप हैंड रेस करना चाहते हैं तो रेज हैंड पे क्लिक करेंगे। रेज हैंड पे क्लिक करने के बाद ये देखें आप मेरे पास हैंड रेज हो चुका है। तो रेज हैंड करने के बाद आपके जो टीचर हैं उनको पता चल जाएगा कि किसी पार्टिसिपेंट ने हैंड रेस किया है, तो वो आपका जवाब ईजिली दे सकते हैं। अगर आप इस चार्ट के सेक्शन में सवाल करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। आपको जब भी सवाल हो तो आप हैंड रेस करें, उसके बाद जब आपके सवाल का जवाब टीचर दे देंगे तो वो खुद भी आपका हैंड डाउन कर सकते हैं। और अगर आप चाहें कि टीचर ने मेरे सवाल का जवाब दे दिया है या फिर मुझे सवाल नहीं पूछना, तो आप लोअर हैंड पे क्लिक करेंगे और आपका हैंड लोअर हो जाएगा। उसके बाद किसी को इनवाइट करना चाहते हैं तो इधर से कर सकते हैं। रिएक्शन देना चाहते हैं वीडियो के दौरान में तो आप रिएक्ट पे क्लिक करके कोई भी रिएक्शन दे सकते हैं और इस ऑप्शन से आप मीटिंग लीव कर सकते हैं, लीव मीटिंग। तो उम्मीद करता हूँ टेलीग्राम और जूम का यूज़ करना आपको आ गया होगा। मज़ीद आपको कोई परेशानी पेश आ रही है तो आप कमेंट करें, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएँ ताकि मज़ीद आगे आने वाली वीडियोज़ आप तक ईजिली पहुँच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।